दोस्तों अगर आपका अभी तक एमएक्स टकाटक पर न्यू अपडेट के बाद मैसेज का ऑप्शन नहीं इनेबल हुआ है तो यार आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आप बगल में देखो यहाँ पर मेरे आईडी में यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन इनेबल हो चुका है वो कैसे हुआ वो मैं बताऊँगा आपको इस वाली वीडियो में और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एम एक्स टकाटक का न्यू अपडेट आया था एंड न्यू अपडेट आने के बाद यहाँ पर सभी का मैसेज का ऑप्शन हटा दिया गया थोड़ा बहुत जो कोई लाइव आते थे उनका लाइव का ऑप्शन हटा दिया मतलब कि एम टकाटक को पूरा तरीके से चेंज कर दिया गया है तो यार अभी हम मैसेज किसी को कैसे कर सकते हैं ये मैं बताऊंगा आपको आज वाली वीडियो में ठीक है आप पिछले मैसेजेस का बैकअप तो नहीं ले सकते हो लेकिन आप न्यू मैसेजेस किसी को कर सकते हो और वो आपको पता और अगर कोई आपको मैसेज करता है तो वो कैसे पता चलेगा वो भी मैं बताऊंगा आपको इस वाली वीडियो में ठीक है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्किप किए हुए यार तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेकिन उससे पहले आप अपने भाई का नाम जान लो मैं हूं आपका भाई हारा भाई आर्यन एंड यू आर वाचिंग नाउ टेक बॉय यूट्यूब चैनल अगर आप चैनल पर नए हो तो फिर टैक्सी यार सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं तो यार अभी हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर वहाँ पर मैं चलकर आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ बताऊँगा कि आप किस तरीके से ये ऑप्शन इनेबल कर सकते हो तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर तो दोस्तों सबसे पहले ना आपको प्ले स्टोर पर जाना है ठीक है आप जैसे ही प्ले स्टोर पर जाते हो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है एम एक्स टकाटक एम एक्स टकाटक का नाम चेंज हो चुका है मैंने आपको पहले बताया था लेकिन प्ले स्टोर पर नाम इसका सेम है ठीक है आप एम एक्स टकाटक सर्च कर लेना उसके बाद इसको आप अपडेट कर लेना अपडेट करने के बाद यहाँ पर आप नीचे की ओर आना नीचे की ओर आप जैसे ही आओगे ना तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं देखिए यहाँ पे यू आर बेटर बेटा टेस्टर ठीक है तो यहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना है ठीक है एक ज्वाइन का ऑप्शन आएगा तो आप बेटा वर्जन इसका ज्वाइन कर लेना अब आपको क्या करना है एम एक्स टकाटक को खोल लेना है ठीक है यहाँ से एम एक्स टकाटक को हम खोल लेते हैं एम एक्स टकाटक को खोलने के बाद जब आपका अपडेट हो जाए उसके बाद आप खोल लेना इसको एंड ये अभी अभी अपडेट हुआ तो थोड़ा सा खुलने में इसको टाइम लग रहा है ठीक है तो बाकी उस उसी तरह आपको आ जाना है जब आपका आईडी बिल्कुल तरीके से यहाँ पर रेडी हो जाएगा अपडेट होने के बाद आपको एक या दो वीडियोस पोस्ट कर देना है ठीक है उसके बाद आपको आ जाना है नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में ठीक है यहाँ पर आप देखो मेरा नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन है और मुझे अभी तक एम एक्स टकाटक से मैंने दो दिन पहले इसे अपडेट किया था लेकिन मुझे अभी तक एक भी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है एम एक्स टकाटक की तरफ से तो यार इसके बाद आपको क्या करना है सबसे पहले ऊपर के साइड आपको ये वाला एक ऑप्शन दिखेगा ठीक है एरो का ऑप्शन अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो यार आप पहले जाके अपडेट कर लेना ठीक है तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डायरेक्ट मैसेज का ठीक है अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें हम मैसेज कर सकते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर देखिए मैं आपको अभी किसी को मैसेज करके दिखाता हूँ जैसे कि ये मेरे रिसेंट फॉलोअर्स है यहाँ से मैं किसी यूज़र को सर्च भी कर सकता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे हो गया आपका मैं इन्हें मैसेज करता हूँ ठीक है ये भी एम एक्सट का के कोई है तो इन्हें मैं मैसेज कर देता हूँ ही ठीक है अब मैंने इसे हुई मैसेज चला गया यार तो अब मैंने इन्हें मैसेज कर दिया अब इस मैसेज के बाद अब आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता ठीक है अब आपको सर्च करना पड़ेगा उनको तभी जाकर आप इन्हें मैसेज कर सकते हो और मान के चलो कोई अब आपको मैसेज करता है तो आप रिक्वेस्ट में जाना ठीक है रिक्वेस्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा तो यहाँ पर आपके जितने भी मैसेज लोग आपको करेंगे वो मैसेज आपको मिल जाएगा तो यार इस तरीके से आपको मैसेज का ऑप्शन इनेबल कर लेना है एम एक्सटाटक पर एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड आप मुझे पर फॉलो करना चाहते हो तो यार मेरा आईडी है आर्यन महतो जीरो वन आप जाकर फॉलो कर सकते हो तो मिलता हूं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत